ही इस खानदान को, इस कारोबार को बचा सकती है, ये तेरी जिम्मेदारी है। अपने घर को डूबने से बचाने के लिए तुझे ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपनी माँ पर भरोसा रख, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर। इंशाल्लाह कामयाबी तेरे कदम चूमेगी बेटा। ठीक है, जैसा आप कहे। अम्मी एक बात और करनी थी मुझे आपसे। बात यह है कि वो रुकिए, ये सामान। शायद मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है दुआ। मैं अभी ज़हनी तौर पे इस मसले पर बात करने की हालत में नहीं हूँ। अफीस, कायनात आओ ना अंदर। आओ, देखो अम्मी। अम्मी, हफीज को ना। कितना वक्त हुआ है तुम्हें यहाँ रहते हुए हफीज? अम्मी, वक्त तो बहुत हो गया है। कुछ बाहर के दोस्त भी बनाए या मेरी दुश्मन की बेटी के साथ ही पूरा दिन घूमते रहते हो? दुश्मन की बेटी? लेकिन खाला जान, अम्मी और आपकी तो दोस्ती हो गई है ना। दोस्त? एक हाथ में फूल तो दूसरे हाथ में खंजर रखती है तुम्हारी अम्मी। मतलब निकल जाए तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। अम्मी आप ये सब कहना आपको क्यों बोल रही हैं? वो क्यों ना कहूं, हिना की औलाद को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी अम्मी कैसी है। इस घर के हर शख्स की फितरत में धोखा है। किसी पर एतबार नहीं है मुझे। अम्मी, पर इस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। अम्मी पर कायनात, कायनात रो मत, अब इधर आ बैठो। कायनात तुम प्लीज मत रो, तुम जानती हो अम्मी दिल की बुरी नहीं है, बस नाराज है इसलिए कड़वा बोल रही है। मेरी कड़वाहट ही हमारे रिश्ते के लिए जहर बन जाएगा हफीज। नहीं होगा, तारा जान हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। जरूर कबूल करेंगे, क्यों नहीं कबूल करेंगे तुम्हें? वो जानती नहीं है लाखों में एक है मेरी ननद, और वो कितनी खुश नसीब है जो तुम जैसी बहू मिलने वाली है। खुदा पे भरोसा रखो, तुम दोनों एक जरूर होगे। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ है। फिक्र मत करो, रोना बंद करो तुम। मुझे अम्मी से इन दोनों के रिश्ते के बारे में बात करनी ही होगी। खाले बब्बन, खाले ना इसे। अगर खाला जान को पता चल गया ना कि तू अभी तक भूखा है, तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। खाले ना इसे, खाले। कैसे खिलाऊं इसे? अब तू क्या, तेरे अब्बू भी इसे खाएंगे। देख बब्बर, तुझे नहीं खाना है ना, कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है, तेरा खाना मैं खा लेती हूँ, ठीक है? देख, 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 हाँ, मैं खा रही हूँ तेरा खाना, देख। देख, मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तूने खाया ना, तो मैं सिर्फ
क्या हाल है बब्बन मियाँ के? माशाल्लाह माशाल्लाह। बब्बन मियाँ, खा लीजिए। देखिए, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मैं भी भूखी रहूंगी, पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगी। खा लीजिए ना बब्बन मियाँ, खा लीजिए। शुक्र है मेरे मौला। खिदमत कर पा रही हो या नहीं? पूरी जान लगा दी है खाला जान। आप तो देख ही रही है ना कितने प्यार से खिला रही हूँ मैं अपने बब्बन मियाँ को खाना, है ना बब्बन? लो। वैसे बब्बन मियाँ जब यहाँ के लिए निकले थे ना फरुखाबाद से, तो कुछ बेचैनी थी इनकी आंखों में, ऐसे मालूम पड़ रहा था कि कुछ ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब से इससे मिले हैं लगता है इनकी तलाश पूरी हो गई है। कैसी तलाश खाला जान? दुल्हन की तलाश और किसकी? तू समझी नहीं क्या अभी तक? बब्बन मियाँ तुझे पसंद करने लग गए हैं। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बब्बन मियाँ को गजल पसंद आ गई है। वैसे ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि तुझे बब्बन मियाँ पसंद है कि नहीं। अल्लाह क्या पूछ लिया मैंने, नहीं पसंद होंगे ना। इसे तो बस शादीशुदा पसंद है। आप अपनी हद तो समझ में आती है कि बब्बन मियाँ को गजल इसलिए पसंद आई कि वो गधे हैं, लेकिन हैदर मियाँ तुम्हारी अक्ल पर क्या ओले गिर गए थे? जो इस बला को अपने गले में बांध लिया। दिल मेंढकी पर आया तो फिर परी क्या चीज है? गलत कर रही है मेरी कसल का मजाक उड़ा के, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे तो उस पिस्तौल से दो और हैदर की मौत लिखी थी, लेकिन लगता हमीदा को भी इसी से मारना पड़ेगा। मुझे ये पता चला है कि तुम्हें घर गृहस्थी का कोई काम नहीं आता है। अब इस दुनिया में तो सिर्फ बब्बन मियाँ ही हैं जो इस कमी के बावजूद इसे अपना लेंगे। अरे इसके लिए गधा मजदूरी भी कर लेंगे। इश्क में जो पड़ गए हैं।
हाय अल्लाह, देखो ना कितनी मोहब्बत से देख रहे हैं बब्बन मियां तुम्हारी तरफ। महबूब के लिए चाहे दो पैर वाला हो या चार पैरों वाला, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। या अल्लाह मेरी कमर। या अल्लाह बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? अब जी अमित, ठीक हूँ। वाह क्या बात है गजल, पहले छोटे भाई से मोहब्बत करी और बड़े भाई से शादी, फिर बड़े भाई से शादी और गिर रही हो छोटे भाई पर। आखिर चाहती क्या हो? इस मजनू का क्या करूं? किसी को पता चल गया ये मेरी मोहब्बत में पिस्तौल लेकर आ गया है तो मेरा क्या होगा? सोच क्या रही हो? बता दो कौन पसंद है। बस कीजिए खाला जान। गजल के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। अल्लाह, बस यही तो मैं जानना चाहती थी। लैला को जरा सा चटका लगा और पुराने मजनू की पेशानी पर छाले आ गए। माजरा क्या है मियां? लगता है गजल भाभी जान में अभी भी जान बसती है तुम्हारी। नहीं खाला जान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मैं तो सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं घर का माहौल खराब नहीं होने देना चाहता और घर में अमन बना रहे चाहता हूँ मैं। और वैसे भी हम सब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और ये छोटी छोटी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और छोटों के मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती जनाब। क्या हुआ था जब अपनी दुल्हन को मंडप में छोड़ के गए थे? उस वक्त घर के माहौल का ख्याल नहीं आया? गजल, दुल्हन मन के नीचे बैठी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने इतनी कोशिश की है निकाह रोकने की पर मैं नाकाम हो गई हूँ। अब बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता भाभी? तुम यहाँ से भाग जाओ। गजल को मंडप में छोड़ के भागा नहीं था मैं, भगाया गया था। आपकी बेटी दुआ और मेरे सौतेले भाई हैदर ने प्लान करके मुझसे ये सब करवाया। वो कहते हैं ना, सूप बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले जिसमें 70 छेद। हमीदा छोड़ो ना ये सब, आओ बैठो यहाँ। रुहान रुक जाओ, ये सही वक्त नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से, मेरी बात समझने की कोशिश करो, जाओ। दुआ सही कह रही थी, इन दोनों के बीच में जरूर कोई मामला चल रहा है। इन दोनों के इरादे ठीक नहीं लगते, खुदा जाने क्या होने वाला है। रुहान ये क्या पागलपन है? तुम जानते हो खाला जान अगर आज मर जाती तो क्या होता? हमारा सब खत्म हो जाता,
अरे अगर मारने उस दुआ को मारो, वो है हमारी दुश्मन, सब खत्म कर। या अल्लाह, ये मैंने क्या बोल दिया? मुझे जल्दी से रूहान को संभालना होगा, वरना ये मुझ पे फिर से शक करने लगेगा। नहीं नहीं, अब रूहान, मैं गुस्से में पता नहीं क्या बोल गई। रूहान, मेरा मतलब है किसी को नहीं मानना है, किसी को भी नहीं। खून खराबा किसी भी बात का हल नहीं होता रूहान। तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्यों लेकर आए तुम गन? क्यों? क्योंकि मुझसे तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो अमिता तुम्हारे बारे में अनाशना बोल रही थी, सुन लेता मैं। रूहान, ये गुस्सा, ये जुनून हमें ले डूबेगा। रूहान, अगर सबको पता चल गया ना कि हम दोनों आज भी मोहब्बत करते हैं, तो हमारे मकसद पर, हमारी मोहब्बत पर पहरा लग जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। पहाड़ में जाए सब, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है। रूहान, मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमारा मकसद दुआ और हैदर को ये जायदाद लूटने से रोकना है। इस घर को, इस खानदान को, इस कारोबार को उन दोनों से बचाना है। रूहान, इस जंग में ऐसे बहुत से मकाम आएंगे जब हमें अपने जज्बात को रोकना होगा, दबाना होगा, सब्र का घूंट पीना होगा। और कितना सब्र रखूं मैं? हाँ, तुम जानती हो गजल, जब भी तुम उससे दूर होती हो ना, मेरा दिल चलता है, मेरे सीने में आग लगती है, जी तो करता है पूरी दुनिया में आग लगा दूं। कुछ नहीं चाहिए मुझे, न घर, न खानदान, न कारोबार। ये मजनू तो पूरा का पूरा पागल हो गया है। कैसा? सुनो ना, हम कहीं भाग चलते हैं ना, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तुम होगी, मैं होऊंगा, हमारी खुशियाँ होंगी, जहाँ दूर दूर तक हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। चलो ना गजल, बोलो चलोगे ना? रूहान, फिर हमारे मकसद का क्या होगा? रूहान, गजल, भाड़ में जाए मकसद, हाँ, दो और हैदर की हकीकत पता लगा के मुझे क्या मिलेगा? उनकी जिंदगी, वो उसे बर्बाद करे, आबाद करे, जिसे ठगना चाहते हैं वो ठगते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम बताओ, मेरे साथ चलोगी तुम? रूहान, इस मजनू के ऊपर तो प्यार का भूत सवार है, इसे मना कर दिया तो कहीं मेरी जान ना ले ले ये मजनू। अब क्या करूं अल्लाह, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे उस गजल की ना सूरत देखने लायक थी। बब्बन मियां ने अच्छी खबर ली हुई है उसकी। बस यही कहना चाहता। रुको, शुक्रिया किस लिए भाई? शुक्रिया इसलिए कि आपकी वजह से दुआ ने हैदर डिजाइन्स के लिए काम करने के लिए रजामंदी दे दी है। अगर ये ऐसा नहीं करती तो खुदा ही जाने क्या होता। सोचा कि आपका शुक्रिया अदा करना भी जरूरी है। बोलो ना गजल, मेरे साथ चलोगी ना? ये खानदान गमता जो एक गधा भी आ गया, इस गधे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे तो मैं गोली मार दूंगा। रुको, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर हिटलर खाला को पता चल गया ना कि तुम इसे मार रहे हो, तो वो हम दोनों को मार डालेगी। मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि इस गधे के जुल्म सहन करूंगा मैं? रूहान, मैं संभाल रही हूं ना इसे। तुम बस एक वादा करो कि तुम अब कोई हंगामा नहीं करोगे। गजल, मेरी बात सुनो तुम। रूहान, वादा करो। ठीक है, नहीं करूंगा। Thank you.
तो तुम मुझे जहर है, लेकिन आज आज सही वक्त पर आकर तुमने सब संभाल लिया, शुक्रिया बब्बू। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है, वो गन अभी भी हॉल में ही कहीं पड़ी हुई है, अगर किसी के हाथ लग गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा।